के नाम में आप सबों का एक बार फिर से प्रार्थना कीर्तन की रविवार की इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। विशेष स्वागत उन लोगों का जो आज हमारे साथ पहली बार इस आराधना में शामिल हुए हैं। हो सकता है कि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हो या हो सकता है आपसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, इसके बावजूद आज हम मिल रहे हैं। ये परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा है और इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। और आप प्रार्थना कीर्तन के तमाम परिवार, तमाम लोग, तमाम जवान, बच्चे, बुजुर्ग, मैं आप सबों का भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और जैसा कि हम लोग पिछले एक महीने से हम एक बाइबल अध्ययन में से होकर गुजर रहे हैं, जिस बाइबल अध्ययन का शीर्षक है लिविंग योर कॉलिंग, अपनी बुलाहट को जीना, एंड व्हाट ऑन अर्थ एम आई डूइंग हियर, मैं इस संसार में क्या कर रहा हूं, मैं इस संसार में क्या कर रहा हूं, मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर की मेरे जीवन से योजना और इच्छा क्या है और क्या मैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। हम लोगों ने परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवनों के लिए है उसके तीन भागों का अध्ययन किया है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड मेडिटेटेड अपॉन थ्री पर्पसेस दैट गॉड हैज फॉर माय लाइफ एंड फॉर योर लाइफ, एंड वी स्टार्टेड विद दैट यू हैव बीन कॉल्ड टू बी लव्ड बाय गॉड, आप परमेश्वर के द्वारा प्यार किए जाने के लिए बुलाए गए। प्रार्थना कीर्तन के बारे में हम कहते हैं ये वो स्थान है जहां हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम सब मिलकर के प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। प्रार्थना कीर्तन इज अ प्लेस वेयर वी लव जीसस एंड वी लव लाइक जीसस, वी लव ईच अदर एंड वी टुगेदर लव जीसस। व्हाट इज योर फर्स्ट पर्पस ऑफ लाइफ? दैट गॉड हैज कॉल्ड यू टू लव यू, परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि वो आपसे प्यार कर सके। My dear people, you cannot do anything to make God stop loving you. You cannot do anything to make God start loving you more than He already loves you. आप कुछ ऐसा कर नहीं सकते जिसके द्वारा परमेश्वर आपको प्यार करना बंद कर दे, और आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति और बढ़ जाए। परमेश्वर का प्रेम सर्वोत्तम है जो उसने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमारे ऊपर प्रकट किया है। सो द फर्स्ट पर्पस ऑफ योर लाइफ इज दैट गॉड हैज कॉल्ड यू टू लव यू, परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आपसे वो प्यार कर सके। द सेकंड पर्पस दैट वी स्टडीड वाज दैट यू हैव बीन कॉल्ड टू बिलोंग टू वेयर, टू द फैमिली ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना और इच्छा यह है कि आप उसके परिवार का अर्थात उसकी कलीसिया का, उसके झुंड का हिस्सा बन सके। गॉड हैज कॉल्ड यू सो दैट यू कैन बिलोंग टू द फैमिली, टू द फ्लॉक ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द फैमिली ऑफ गॉड इज द चर्च, एकलीसिया, फ्रॉम वेयर द हिंदी वर्ड कलीसिया कम्स। कलीसिया अर्थात प्रभु यीशु मसीह की देह, परमेश्वर का परिवार। सो परमेश्वर की आपके जीवन के लिए दूसरी योजना और इच्छा यह है कि आप उसके परिवार का अर्थात उसकी कलीसिया का अंग बन सके, हिस्सा बन सके। एंड द थर्ड पर्पस दैट वी स्टडीड लास्ट संडे वाज दैट गॉड हैज कॉल्ड यू टू बिकम लाइक जीसस क्राइस्ट, एंड व्हेन यू एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड इन योर लाइफ एंड व्हेन यू बिलोंग टू द फैमिली ऑफ गॉड, ओनली देन कैन यू बिकम लाइक जीसस क्राइस्ट। जब आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए जाएंगे अर्थात आप उसके प्यार को अनुभव करेंगे, जब आप उसके प्रेम को अनुभव करके उसके परिवार का अर्थात कलीसिया का हिस्सा बनेंगे, तब आप परमेश्वर की जो आपके जीवन के लिए तीसरी योजना है उसको पूरा कर पाएंगे, अर्थात आप प्रभु यीशु मसीह की तरह बनेंगे। और हम लोगों ने पिछले संडे अध्ययन किया था रोमियो की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय उसके 28 और 29 पद में जहां लिखा हुआ है, सो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं, 29वां पद, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी पर उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। और तब 29वां पद में लिखा हुआ है, और परमेश्वर की आपके जीवन के लिए इच्छा ये है कि आप उसके बेटे यीशु की समानता में तब्दील हो जाए। गॉड डिजायर एज पर रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29 इज दैट you resemble Jesus Christ. What do we want to learn today? What is the fourth purpose of your life? आपके जीवन का जो चौथा उद्देश्य है वो क्या है? And the fourth purpose of your life is that
गॉड हैज कॉल्ड यू टू ब्लेस यू। परमेश्वर ने आपको आशीषित करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको आशीषित करने के लिए बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड यू टू ब्लेस यू, एंड व्हेन यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड, लिसन केयरफुली, देन यू बिकम अ ब्लेसिंग टू पीपल। जब आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए जाते हैं, तब आप दूसरों के लिए आशीष का, उम्मीद का, खुशी का, आनंद का, हिम्मत का, उत्साह का, दिशा देने का, रोशनी दिखाने का एक जरिया बन पाते। So if there's someone in your life who when you speak to is negative in attitude, understand that he or she has not yet experienced the touch of God. And because of the lack of the experience of touch of God, there is lack of blessing. And when a person is not blessed, he can never be a blessing to other people. You want to be a blessing to people? You have already experienced the blessings of God in your life. परमेश्वर की आशीषों को आपने अपने जीवन में अनुभव किया है, और अब जरूरी भी ये भी है कि आप अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए आशीष का जरिया बन पाएं। आप आशीष देने के लिए बुलाए गए, आप आशीष प्राप्त करने के लिए और आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। याद रखिएगा, आप आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि श्राप देने के लिए। यू हैव बीन कॉल्ड टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, एंड व्हेन यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड, देन यू बिकम अ ब्लेसिंग टू अदर पीपल। एंड यू एंड आई, माय डियर पीपल, हैव बीन कॉल्ड टू बिकम ब्लेसिंग फॉर पीपल एंड ब्लेस पीपल एंड नॉट कर्स देम। सो आप पर मैं आशीष देने के लिए बुलाए गए, श्राप देने के लिए नहीं। यहां तक कि जो लोग आपको श्राप देते हैं, आपके लिए बुरा भला बोलते हैं, उनको भी आशीष देने के लिए, उनके लिए भी अच्छा सोचने के लिए, उनके लिए भी उत्साह और उम्मीद की बात करने के लिए आपको और मुझे बुलाया गया है। आपसे मुझसे अपेक्षा यह है कि जो हमें श्राप दे, हम उनको आशीष दें। लोग जो झूठी बात करें, चारों तरफ बदनाम करें, उनके लिए भी मैं दुआ करूं, उनको भी मैं क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हम आशीष कैसे दे सकते हैं? What are the ways in which we can become a blessing for people? शब्दों के द्वारा आशीष देना, God bless you, हम कहते हैं ना, God bless you, प्रभु बहुत आशीष दे। या कामों के द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, या अपने व्यवहार के द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, या अपनी सोच के द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। हम अनेकों तरीकों से दूसरों के लिए आशीष का जरिया बन सकते हैं, और हम किस तरह से किसी के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, ये चुनाव हमारा है। You know, there are various ways in which we can become a blessing for people. You can become a blessing for people by the words that you choose, or by the works that we do, or by your attitude, by your behavior, or by the kind of thoughts that you think for other people. You know, there are various ways, and in what way would you want to become a blessing for people is your choice. So you have a choice to choose between different ways to become a blessing for people, but you do not have the choice to not become a blessing for people. And if there is someone who is not becoming a blessing for people, it simply implies that he or she also has not experienced the touch and the blessing of God. So the fourth purpose of my life, mere jeevan ka chautha uddesh, God has shaped me to serve him. परमेश्वर ने हमें रचा है, इस तरह से बनाया है कि वो हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। वी हैव बीन शेप्ड टू सर्व, वी हैव बीन शेप्ड टू सर्व। हमें इस तरह से परमेश्वर ने बनाया है कि हम उसकी सेवा कर सकें, हम उसके नाम की महिमा और आदर का कारण बन सकें, हम भले काम कर सकें। इफिसियों की पत्री और उसको दूसरा अध्याय और उसका 10वां पद लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए, अर्थात परमेश्वर बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। सो परमेश्वर ने हमें क्यों रचा? ताकि हम भले काम करें, और हम भले कामों के लिए तैयार किए गए हैं, रचे गए हैं
और परमेश्वर ने हमारे लिए उन भले कामों को पहले से तैयार करके रखा है, हमारी उत्पत्ति से पहले, हमारी सृष्टि से पहले। Ephesians 2:10, we are God's workmanship, created in Christ Jesus. Why? To do good works. Underline those two words. To do good works, which God prepared in advance for us to do. So if you're doing good works, you are simply fulfilling God's purpose for your life. यदि आप भला काम करते हैं, कर रहे हैं, तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। आप परमेश्वर की जो आपके जीवन के लिए योजना है, उसको आप पूरा कर रहे हैं। मेरे जीवन की बुलाहट क्या है? आपके जीवन की बुलाहट क्या है? Well, my life calling is to be a bivocational minister of Jesus Christ. To become a bivocational minister of Jesus Christ. क्या मतलब इसका? परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम अपने जीवन के कार्यों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की हम सेवा कर सकें। आपको मालूम इसका मतलब क्या है? बहुत जानते क्या होता है, लोग सेवकाई में और नौकरी के संबंध में एक प्रकार के पशुपेश में रहते हैं, कुछ भ्रांतियां हैं। बहुत सी बार लोग कहते हैं, भैया हम तो नौकरी करते हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो इंजीनियर हैं, या हम नर्स हैं, या हम टीचर हैं, या हम हाउसवाइफ हैं, या हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, या हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा कैसे कर सकते हैं? हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा कैसे कर सकते हैं? बाइवोकेशनल का मतलब क्या है? वो काम जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस काम को करते हुए अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु की सेवा करना। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, उस काम को करते हुए अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना। What does bivocational mean? It simply means that while doing the work that God has given to you, by following the vocation that God has given to you, you serve Jesus Christ in and through your life. सच्चाई तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये है कि हम जहां कहीं भी हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह के हम विश्वस्त गवाह बन सकते हैं। The truth and the reality is that we are called to be witnesses in wherever God has placed. जब लोग हमें काम करता हुआ देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप कहेंगे कि जस्टिन भाई मैं तो नौकरी करता हूं, मैं तो टीचर हूं, ओके? मैं एक शिक्षक हूं, एक अध्यापक हूं, तो मैं यही उदाहरण ले लेता हूं। मान लीजिए आप कहते हैं कि जस्टिन भाई मैं तो शिक्षक हूं, मैं कैसे प्रभु की सेवा करूं? ध्यान से सुनिएगा, जब लोग हमें काम करता हुआ देखते हैं, हमारे आचरण को देखते हैं, हमारे काम के प्रति हमारी ईमानदारी को देखते हैं, दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को देखते हैं, इन सब बातों के द्वारा या तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं, या हम उसके नाम के लिए अनादर का कारण बनते हैं। I am a teacher. So let me take this example. That if you say that, Justin brother, I am a teacher. How can I serve Jesus? Now listen to this very carefully. When you are in your place of work, when people look at you, look at the honesty and the integrity with which you're doing your work, when they look at the way you are behaving with other people, when they look at the way how prompt and how punctual you are in the responsibilities that you are given, in the way you are conducting yourself, in the way you are handling, you know, the different problems and professional situations that arise in your place of work, when people look at all of this and they see your response to these situations, listen carefully. Either through all of this, you are bringing glory to the name of Jesus, or you are bringing a bad name to the name of Jesus. इस बात को याद रखिएगा, आपके नाम के साथ परमेश्वर का नाम जुड़ा है, आपके नाम के साथ यीशु मसीह का नाम जुड़ा है। सो जब आप भला काम करते हैं, परमेश्वर को महिमा मिलती है, और यदि आप भला काम नहीं करते हैं, तो उसका नाम अनादर प्राप्त करता है। How prompt are you in the work that is given to you? आपको जो काम आपके अधिकारियों के द्वारा दिया गया है, उस काम को करने के लिए आप कितने तत्पर हैं, कितनी ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हैं? You know, in this period of lockdown, teachers have been subjected to conducting online classes from homes now, from schools, if they want to go and do their online classes from school. जब आपको बताया गया कि आपको online classes लेनी है,
तो आपने कितनी मेहनत और कितनी ईमानदारी से अपने काम को किया, या कि कुड़कुड़ा के, बड़बड़ा करके, नकारात्मकता से भर करके, या मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, इस भाव के साथ आपने इस भाव के साथ अपने काम को किया है, या परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद एक लंबे समय तक हम स्कूल नहीं जा पाए लेकिन अब हमें एक मौका मिला है कि जो काम प्रभु आपने हमें दिया है उसको हम करें। गॉड वॉन्ट्स यू टू बी ऑनेस्ट विद द वर्क, विद द वोकेशन, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट गॉड हैज गिवन यू। गॉड डजंट लाइक इररिस्पॉन्सिबल पीपल, गॉड डजंट लाइक ग्रंबलिंग पीपल, गॉड लाइक्स ऑनेस्ट पीपल, people of integrity, punctual people, and people who are happy and ready and honest to do the work that is given to them. The question is, what kind of work culture do you follow? So we are talking about being bivocational. हम बात कर रहे हैं कि जो काम और जो सेवा प्रभु ने हमें दी है उसको करते हुए हम किस तरह से प्रभु यीशु मसीह की हम सेवा कर सकते हैं। So the question is, what kind of work culture do you follow? किस तरह के कार्य संस्कृति का आप पालन करते हैं? How honest are you about your work? अपने काम के प्रति आप कितने ईमानदार हैं? लेक्चर्स तैयार करना है, कितनी ईमानदारी से आप कर रहे हैं? कितनी मेहनत आप कर रहे हैं? कितना समय आप गुजार रहे हैं? एक घंटे की क्लास लेने के लिए आप कितनी तैयारी कर रहे हैं? वही पुराने नोट्स दोहरा रहे हैं या कुछ नई तैयारी कर रहे हैं? क्या तैयारी है आपकी? Are you looking for excuses of why not to work? Are you looking for one simple reason why you want to work, irrespective of the circumstances? क्या आप काम न करने के बहाने ढूंढते हैं, या आप काम करना चाहते हैं और उसके लिए ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने आप को तैयार कर रहे हैं? Do your colleagues appreciate the way you are working? क्या आपके साथ काम करने वाले आपके कार्यशैली को देख करके आपकी प्रशंसा करते हैं? आप कहेंगे, जिसमें ब्रदर आजकल प्रशंसा कौन करता है? ठीक बात है, नहीं करते होंगे। क्या आप अपने कार्यशैली को देखकर स्वयं की प्रशंसा कर पा रहे हैं? अर्थात क्या आप स्वयं अपने काम से संतुष्ट हैं? इस बात को याद रखिएगा, यू आर योर बेस्ट जज एंड देन गॉड इज। आर यू सैटिस्फाइड विद द वे यू वर्किंग एंड डू यू थिंक यू आर ऑनेस्ट इनफ एंड यू हैव द रिक्वायर्ड इंटेग्रिटी टू डू द वर्क एंड फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज बीन लेड अपॉन योर शोल्डर्स। Your work can either give glory to the name of Jesus or bring him a bad name. Galatians chapter 1 and verse 15. Galatiyon ki patri, uska pehla adhyay aur uska 15th pad aur kalam mein yahan par is prakar se likha hai, parantu parmeshwar ki jisne meri mata ke garbh hi se mujhe thehraya aur apne anugrah se bulaya hai. आपको एक कार्य के लिए बुलाया गया है, आपको शिक्षक होने के लिए बुलाया गया है, डॉक्टर होने के लिए बुलाया गया है, इंजीनियर होने के लिए बुलाया गया है, वकील होने के लिए बुलाया गया है, पुलिस सेवा करने के लिए बुलाया गया है, प्रशासनिक सेवा के लिए बुलाया गया है, तमाम प्रकार की सेवकाई है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। कब? आप जब अपनी माता के गर्भ में थे तब ही से उसने आपको बुलाया। और जब परमेश्वर ने आपको एक शिक्षक होने के लिए बुलाया है या और किसी कार्य क्षेत्र के लिए बुलाया है, अवश्य है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने कार्यों के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर दें। गॉड इन हिज ग्रेस चोज मी इवन बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड कॉल्ड मी टू सर्व हिम। यू नो द इम्प्लीकेशन इज एवरीबडी कैनॉट बी अ पास्टर, सो इफ सर्विंग गॉड was only by being a pastor, then everybody must have become a pastor, according to Galatians 1:15. But the truth is that God has placed you in a different place. He has given you a different vocation. And God wants you to be faithful in your place of work. And by your integrity and honesty and faithfulness to your work, God gets the glory. And that is why He has called you. So what will happen if I use my life to serve and bless others? यदि आप अपना जीवन दूसरों की सेवा सहायता के लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? कुछ एक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर वन, इट विल क्रिएट जॉय इन माय लाइफ। इट विल क्रिएट जॉय इन माय लाइफ। आई एम नॉट सेइंग हैप्पीनेस, इट विल क्रिएट जॉय। सो द डिफरेंस इज, हैप्पीनेस इज एक्सटर्नल, जॉय इज इंटरनल। हैप्पीनेस कम्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, joy comes because of the inner peace
एंड द इनर सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर लाइफ। यदि आप अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि दूसरों को आशीष मिले, इससे आपका जीवन अत्यधिक आनंद से, खुशी से भर जाएगा। यदि आप अपने जीवन में अत्यधिक आनंद से भरना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ एक काम करने होंगे। पहली बात, अपनी ओर से ध्यान हटाकर दूसरों की ओर लगाना है। आप दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा? अपनी ओर से ध्यान हटाना है, दूसरों की ओर लगाना है। स्टॉप बीइंग सेल्फ सेंटर्ड। अ सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश पर्सन कैन नेवर सर्व जीसस, कैन नेवर सर्व पीपल। एक स्वार्थी स्वयं केंद्रित व्यक्ति कभी भी न तो प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकता है, न दूसरों की सेवा कर सकता है। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 17वां पद, गैलेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 17, 2:17 लिखा है, और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। माई लाइफ इज बींग पोर्ड आउट एज ए पार्ट ऑफ द सैक्रिफाइस एंड सर्विंग पॉलिसीज आई ऑफर टू गॉड फॉर योर फेथ, येट आई एम फिल्ड विद जॉय एंड आई शेयर द जॉय विथ ऑल ऑफ यू। आई एम शेयरिंग द जॉय विथ ऑल ऑफ यू। Philippians chapter 4 verse 4 and 5, Philippians 4 उसका 4th और 5th पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। यह लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। Always be full of joy in the Lord, I say it again, rejoice, let everyone see that you are unselfish and considerate in all your doings. Let everybody see that you are unselfish and considerate in all your doings. काश कि सब लोग इस बात को देख लें और अनुभव कर लें और जान लें कि आप स्वार्थी नहीं हैं और आप दूसरों की के लिए चिंतित हैं और उनके प्रति आप के दिल में एक प्रेम के का भाव है। So if you want to fill your life with joy, what else do you have to do? Start using your gifts to help people. अपनी योग्यताओं और वरदानों के द्वारा दूसरों की सहायता कीजिए। याद रखिएगा, यहां पर मैं दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपनी योग्यताओं और वरदानों के द्वारा दूसरों की सहायता करें। सो दो शब्द हैं, आपकी योग्यता और वरदान। नाउ आपकी योग्यता आपके किसी कार्य को करने की आपकी क्षमता है। योर एबिलिटी इज योर कैपेबिलिटी of doing something in the right way. That's your capability or your ability. आपकी योग्यता है। वरदान क्या है? जब आप अपनी योग्यता को किसी दूसरे की सहायता के लिए, किसी दूसरे के फायदे के लिए, किसी दूसरे की हिम्मत अफजाई के लिए, किसी दूसरे को उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब आपकी योग्यता उसके लिए एक वरदान बन जाता है। When you use your ability and your skills to bless someone, to heal someone, to lift someone, to encourage someone, your ability becomes a gift for that person. And God has given you abilities so that they become gifts for other people. You want to fill your life with a lot of joy? Start using your abilities until they become gifts for other people. अपनी योग्यताओं का कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल कीजिए कि वो दूसरों के लिए वरदान सिद्ध हो जाए। Hallelujah. Look into your life. अपने जीवन में देखिए परमेश्वर ने आपको क्या योग्यताएं दी हैं। क्या वो योग्यताएं आप सिर्फ खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपकी योग्यताओं से केवल आपका फायदा हो रहा है? क्या आपकी योग्यताओं से केवल आपको लाभ मिल रहा है या आपकी योग्यताओं से दूसरों को हिम्मत मिल रही है, दूसरों का फायदा हो रहा है, दूसरों की सहायता हो रही है? यदि ऐसा है तो आपकी योग्यता उनके लिए एक वरदान सिद्ध साबित। 1 Peter chapter 4 and verse 10. God has given each of you some special abilities. परमेश्वर ने आप में से हर एक को, मुझे मिला करके, आपको मिला करके, सबों को कुछ विशेष योग्यताएं दी हैं, कुछ विशेष कौशल दिया है। God has given to each one of us some special abilities, skills. Be sure, Peter is saying, to use them to help each other. So when you use your abilities to help each other, then those abilities become gifts for those people. Passing on to others
God's many kinds of blessings. आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। यदि आप अपना जीवन दूसरों की सेवा सहायता के लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा? दूसरी बात, पहली बात हमने देखी थी, यदि आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसमें आपका जीवन में आनंद और खुशी भर जाएगी। दूसरी बात, यदि आप अपने जीवन दूसरों की सहायता के लिए इस्तेमाल करेंगे, दूसरी बात क्या होगा, इट विल इंप्रूव योर रिलेशनशिप्स विद पीपल। दूसरों के साथ आपका संबंध और अच्छा हो जाएगा। योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विल इंप्रूव। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन द फैमिली, आउटसाइड द फैमिली, इट विल इंप्रूव, इट विल बिकम बेटर, इट विल बिकम गुड। यू वॉन्ट दैट, आई एम श्योर। आप चाहते हैं कि हर एक जन के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा हो, एक सौहार्द हो, एक प्रेम का भाव हो। आप कुछ कहें वो आपकी सुने, वो कुछ कहें आप उनकी सुने। और यदि आप अपने जीवन की योग्यताओं दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे, दूसरे के फायदे के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए, लोगों के साथ आपका संबंध दृढ़ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। Matthew chapter 20 verse 28. Your attitude must be like my own, for I did not come to be served but to serve. तुम्हारा व्यवहार मेरे जैसा हो, क्योंकि मैं दूसरों की मैं स्वयं की सेवा करवाने के लिए नहीं, परंतु दूसरों की सेवा टहल के लिए आया हूं। Jesus said that I did not come to be served but to serve and to become a blessing for many people. That is ought to be your life definition. आपके मेरे जीवन का यही सार होना चाहिए। Romans chapter 14 verse 18. If you serve Christ in this way, you will please God and be respected by people. यदि आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा इस प्रकार से करें, किस प्रकार से, अपनी योग्यताओं को दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करें, अपने कौशल को दूसरे के लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे, यदि हम इस तरह से यीशु मसीह की सेवा करेंगे, आप परमेश्वर को महिमा देंगे और लोगों की दृष्टि में आप आदर के पात्र बन जाएंगे। यू विल बिकम रिस्पेक्टेड बाय पीपल। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 25। द वन हु ब्लेसेस अदर्स इज अबंडेंटली ब्लेस्ड। दोज हु हेल्प अदर्स आर हेल्पी। जो दूसरों को आशीष देता है वो बहुतायत के साथ आशीषित किया जाएगा। जो दूसरों की सहायता करता है उसकी भी सहायता की जाए। बाइबल का सिद्धांत, जो बोगे वो काटो, प्यार बोगे प्यार काटोगे, मदद बोगे मदद काटोगे, उत्साह बोगे उत्साह काटोगे, हिम्मत के शब्द बोगे हिम्मत के शब्द काटोगे, इज्जत देना बोगे इज्जत प्राप्त करोगे। इसका विपरीत भी सच है। कड़वाहट बोगे कड़वाहट काटोगे, बेइज्जती बोगे बेइज्जती काटोगे, धोखा बोगे धोखा काटोगे, झगड़ा बोगे झगड़ा काटोगे। जो सहायता करता है उसकी सहायता की जाएगी। बाइबल में लिखा है नीति वचन 11:25 में, जो आशीष देगा बहुतायत से आशीष पाएगा, जो सहायता करेगा उसकी सहायता की जाएगी। डू अनटू अदर्स द वर्ड सेज As you would want them to do to you. जैसा तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हारे साथ करे, वैसा ही उनके साथ तुम भी करो। And if you serve Jesus Christ in this way, God will be glorified, people will respect you. और लोगों के साथ आपका संबंध दृढ़ जाएगा। यदि फिर से तीसरी बात, यदि आप अपना जीवन दूसरों की सेवा सहायता के लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इससे आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। योर लाइफ विल बिकम मीनिंगफुल। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें यह जीवन सिर्फ अपने लिए अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं दिया है। हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारा जीवन दूसरों के लिए। नॉट मी बट यू। भारत सरकार की खेल मंत्रालय की एक योजना, एक कार्यक्रम, इसका नाम है राष्ट्रीय सेवा योजना। ये उनका ध्येय भी है, उनका मोटो है, यू नो, इट्स लाइक अ टैगलाइन, नॉट मी बट यू। मैं नहीं तुम, मेरा नहीं तुम्हारा, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए।
माई लाइफ इज नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, इट्स फॉर अदर्स एज वेल। किसी ने कहा है छोटा सा जीवन है जल्द गुजर जाएगा, और जो आपने दूसरों के लिए किया है बस वही रह जाएगा। सवाल यह है, आपने दूसरों के लिए क्या किया? आपने दूसरों के लिए क्या बोया? आपकी दूसरों के लिए क्या सोच है? आप दूसरों के लिए कैसा चाहते हैं? What do you desire for other people? Would you desire that for yourself? That's a very prominent question to ask. What do you desire for other people? Will you desire the same for yourself? Someone has said, if you want healing in your life, pray for the healing of others. If you want financial blessings in your family, in your life, pray for the financial blessing of other people and other families. Because what you pray for others, God is going to fulfill that in your life. Your life is just not for yourself, but your life is for others as well. Let people be blessed out of your life. काश कि लोग आपके जीवन के द्वारा आशीष पाएं, क्योंकि जो कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जैसा आपका उनके साथ व्यवहार है, आपके जाने के उपरांत बस वही रह जाएगा। मार्क चैप्टर 8 वर्स 35, इफ यू ट्राई टू कीप योर लाइफ फॉर योरसेल्फ यू विल लूज इट, द वर्ड सेज, बट इफ यू गिव अप योर लाइफ फॉर माय सेक, जीसस सेज, एंड फॉर द सेक ऑफ द गुड न्यूज यू विल फाइंड ट्रू लाइफ। जो अपने जीवन को बचाएगा उसको खो देगा, जो उसको खोने के लिए तैयार है वो उसको अनंत काल के लिए प्राप्त कर लेगा। 1 Corinthians chapter 15 verse 58, always give yourself fully to the work of the Lord। अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के कार्यों के लिए समर्पित कर दीजिए। बिकॉज यू नो दैट योर वर्क इन द लॉर्ड इज नेवर वेस्टेड। परमेश्वर के लिए किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, इट विल ऑलवेज ब्रिंग फ्रूट। Start working first, and if you serve Jesus Christ in this way, then God will be glorified, you will find respect, and your life will be filled with abundant blessings. And the last thing, यदि आप अपने जीवन दूसरों की सेवा सहायता के लिए, दूसरों की मदद के लिए, दूसरों के उत्थान के लिए, आशीष के लिए इस्तेमाल करेंगे, तब क्या होगा? तब आप एक अमिट और अनुकरणीय छाप छोड़ जाएंगे। फिर से सुनिएगा, तब आप एक अमिट और अनुकरणीय छाप छोड़ जाएंगे। यू विल लीव बिहाइंड अ लेगेसी। व्हाट डज दैट मीन? आफ्टर यू हैव गॉन, पीपल विल सिट इन देयर प्लेसेस, दे विल टॉक अबाउट यू, दे विल रिमेंबर यू, योर वर्क्स, योर वर्ड्स, योर लाइफ, योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, द वे यू रिस्पॉन्डेड, द वे यू एक्टेड, they will remember, they will be blessed, and God will get the glory. That is the kind of legacy you want to leave behind after you've gone. आपके जाने के बाद आप किस प्रकार की छाप छोड़ के जाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि जब आप चले जाएं, आपके मरने के बाद, इस पृथ्वी पर से पलायन करने के बाद, आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में याद करें? भला व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, सहायता करने वाला था, प्रार्थना करने वाला था, हिम्मत देने वाला था, कमजोरों के साथ खड़ा होने वाला था, जरूरतमंदों की सेवा करने वाला था, चिंता करने वाला था, मेरी परेशानी में अंकल ने मेरी बड़ी मदद करी थी, गवाहियां सुनी है मैंने, अरे वो भैया थे उनको मैंने एक बार बताया था, उन्होंने मेरी बड़ी सहायता करी थी। दैट इज द काइंड ऑफ लेगेसी यू वांट टू लीव बिहाइंड। ये है वो संस्मरण जो आप छोड़ के जाना चाहते हैं, यह है वो छाप जो आप छोड़ के जाना चाहते हैं। यदि आप दूसरों की सेवा के लिए अपने जीवन का इस्तेमाल करेंगे, जो परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो आप एक अमिट और अनुकरणीय छाप छोड़ जाएंगे और लोग आपको हमेशा और हमेशा याद करेंगे। Proverbs chapter 10 and verse 7, गुड पीपल will be remembered as a blessing. भले लोगों को एक आशीष के रूप में याद किया जाएगा। Matthew chapter 20 verse 26, if you want to be great, you must become a servant of all the others. यदि तुम बड़ा बनना चाहते हो तो पहले दूसरों का दास बनो। Hebrew chapter 6 and verse 10, God is fair. He will not forget the work you did and the love you showed for him by helping his people. परमेश्वर महान है और वो
वो कार्य जो आपने परमेश्वर के लिए किए और आपका प्रेम जो आपने परमेश्वर के प्रति प्रकट किया, कैसे? दूसरों की सहायता करने के द्वारा। उस प्यार को परमेश्वर कभी भी नहीं भूलेगा। एंड ही विल रिमेंबर दैट यू आर स्टिल हेल्पिंग पीपल। जॉन चैप्टर 12 वर्स 26, माय फादर विल ऑनर एनीवन हु सर्व्स मी। माय फादर विल ऑनर एनीवन हु सर्व्स मी। दिस इज व्हाट जीसस इज सेइंग। मेरा पिता उस हरेक व्यक्ति को इज्जत देगा, ऊंचे पर उठाएगा जो मेरी सेवा करे। यू वॉन्ट टू बी लिफ्टेड अप बाई गॉड, स्टार्ट सर्विंग जीसस। हाउ डू आई सर्व जीसस? व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग माई लाइफ एंड मेक इट अ ब्लेसिंग फॉर पीपल। व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग माई टैलेंट्स, माई एबिलिटीज, माई स्किल्स एंड मेक इट अ ब्लेसिंग फॉर पीपल, दैट इज योर सर्विस टू जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की सुबह में परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज हमें समय रहते ये याद दिलाया है, हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारा जीवन दूसरों के लिए है। यदि आपने परमेश्वर से आशीषें पाई हैं, यदि आपने परमेश्वर की आशीषों का अनुभव किया है, तो हो नहीं सकता कि वो आशीषें आप अपने तक सीमित रख सके, अवश्य ही वो छलक के दूसरों तक पहुंचेंगे। इफ यू हैव एक्सपीरियंस द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, इट विल डेफिनेटली स्पिल ओवर and go and bless someone else as well. That is why God has called you. Parmeshwar aapko isliye bulaya hai. So hum logon ne ab tak char baatein seekhi hain. We have till now learned four purposes of God for your life. Number one, you have been called to be loved by God. Aapko bulaya gaya hai taki Parmeshwar dwara aap prem kiye ja sake. Dusri baat, you have been called to belong to the family of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की के परिवार का हिस्सा होने के लिए, परमेश्वर का परिवार का हिस्सा होने के लिए आपको बुलाया गया है। तीसरी बात, you have been called to become like Jesus Christ. आपको बुलाया गया है, आपको बनाया गया है, रचा गया है ताकि आप प्रभु यीशु मसीह की तरह बन जाएं। और आज हमने अध्ययन किया, you have been called to become a blessing for people. आपको बुलाया गया है, आपको रचा गया है, बनाया गया है इस तरह से ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। आइए हम अपने अपने आप को जांचें, परखें, देखें, क्या हम दूसरों के लिए आशीष का जरिया हैं? क्या लोगों को हमारे जीवन से हिम्मत मिलती है, आशीष मिलती है, या वो निराश होते हैं, वो परेशान होते हैं? क्या है हमारे जीवन की सच्चाई? आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज की सुबह प्रभु जी दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हमें इस बात को याद दिलाया है कि न सिर्फ हम प्रेम किए जाने के लिए बनाए गए हैं, कि न सिर्फ हम आपके परिवार का हिस्सा होने के लिए बनाए गए हैं, कि न सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बनने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हम इसलिए भी बनाए गए हैं ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का, उम्मीद का, खुशी का, हिम्मत का जरिया बन सके। पिता परमेश्वर, हम आपसे माफी चाहते हैं उन तमाम मौकों के लिए जब हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते थे लेकिन हम नहीं बने। हमने ऐसा चुनाव किया कि हम स्वार्थी हो गए, हमने ऐसा चुनाव किया कि हम खुद के फायदे का काम करें न कि दूसरों के फायदे का। मेरी दुआ है प्रभु जी, ऐसे हर पाप के लिए, ऐसी हर गलती के लिए जो हमने किया है, हमें माफ कर दीजिए और हमारी सहायता कीजिए प्रभु, ताकि हम आपके इस चौथे उद्देश्य को अपने जीवन में सार्थक कर सके, इसको अपने जीवनों के द्वारा लागू कर सके और होने दें। काश कि प्रभु हमारी योग्यताएं लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। लॉर्ड, आई प्रे दैट द एबिलिटीज दैट यू हैव गिवन अस एंड द टैलेंट्स दैट यू हैव गिवन अस विल बिकम गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स फॉर मेनी डिफरेंट पीपल। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद आज के इस वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। May God bless you, my dear people, and you have a wonderful, wonderful week ahead. God bless you.